वेलकम टू ट्विन मेकर्स एंड अदर व्लॉग। छत पर बारबेक्यू पार्टी। तमाम ओल्ड सब्सक्राइबर्स का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और जो नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठंडा ठंडा मिंट मार्गरेटा। मटन चाप फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। क्रिस्पी क्रंची फ्राइड चिकन विंग्स की रेसिपी भी शेयर करूंगी। सीख कबाब की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मिनटों में दही पकौड़ियाँ भी तैयार कर लें। सबा के हस्बैंड और मेरे हस्बैंड ने मिलकर बारबेक्यू लगाया। सॉफ्ट एंड जूसी बीफ टिक्का। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की दावत और आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, कंप्लीट वो कीजिएगा। सबसे पहले चांप के मसाले को तैयार कर लेते हैं। चांप फ्राई बनाना है तो उसके लिए दही में मसाला जा जो है ना सारे ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून के हिसाब से मैंने इसमें सुरख मिर्च शामिल की है, और 2 टीस्पून के हिसाब से इसमें मैंने चिली फ्लेक्स शामिल की हैं, और 2 टीस्पून के हिसाब से इसमें जाएगी काली मिर्च, 2 टीस्पून के हिसाब से इसमें जाएगा सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर। अच्छा जी, आपको अगर चांप फ्राई पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मैंने जो है ना वो अनियन पाउडर या फ्राई प्याज जो है ना गोल्डन किया हुआ प्याज उसका पाउडर बना के या वैसे ही उसको आप शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून के हिसाब से हल्दी है इसमें मैंने शामिल कर दी। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। 2 बड़े चम्मच या फिर 50 ग्राम के करीब आपने इसमें कुटा हुआ अनारदाना शामिल कर देना। 1 टीस्पून के हिसाब से रेड चिली सॉस और थोड़ा सा सिरका इसमें मैंने डाल दिया था। दही आप तकरीबन 1.5 पाव या 350-350 ग्राम जैसे के या एक बड़ी प्याली भर के आप एक दही की इसमें शामिल कर सकते हैं, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, इसमें लम्स ना रहें। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया क्योंकि ये मैं ऐड करना भूल गई थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का स्टार्टिंग में मुझे याद आ गया। अच्छा जी, ये मेरे पास 1 बकरे की चांप है, यानी कि जो हमारा बकरा था कुर्बानी का उसी की ये सारी चांपें हैं, छोटे बड़े पीस मिक्स है। इसमें जो है ना मैं अब सारा मसाला शामिल कर दूंगी, और चांप में मैंने स्टार्टिंग में 2 टेबल स्पून भर के नमक डाल के चांप को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दिया था। सारा जो मैरिनेटेड दही है वो मैंने चांप के ऊपर डाल दिया है, और इस तरह से इसे मैरिनेट करके कुछ देर के लिए रख दें या फिर डायरेक्ट इसे पकने के लिए रख दें। जैसे पकने के लिए रखेंगे तो थोड़ी इस तरह की शक्ल बन जाएगी, उसके बाद ये अच्छे तरीके से पकने लग जाएगी और बिल्कुल मसाला हांडी की तरह तैयार हो जाएगी। फ्राइडे है तो मैंने सबा की फैमिली को भी इनवाइट किया हुआ है, आज मिलकर सारे बारबेक्यू करेंगे और खाना खाएंगे, तो फिर बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ स्पेशल बनेगा। तो यहाँ पर मैंने विंग्स मंगवाए हैं, तकरीबन ये 1 kg विंग्स हैं जिनकी मैंने सिर्फ 2 बोटियाँ जो होती हैं, जो लंबी वाली स्टिक होती है और एक जो मोटी थोड़ी स्टिक होती है, वो दोनों को निकाल लिया है और उन्हें मैं मैरिनेट करूँगी। सबसे पहले 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगी सुरख मिर्च। सुरख मिर्च जो है ना वो कच्चे जब चिकन को आप लगाते हैं ना, मतलब एक तो होता है ना बॉयल करके पकाना, जब भी आप कच्चे को लगाते हैं फिर अन्यवाई डलती है। और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। नमक जो है वो थोड़ा ज़्यादा भी, और मैंने सबसे पहले चिकन को कट लगा लिए थे, और कट लगा के चिकन को जो है ना वो मैंने नमक और सिरके में डिप करके भी रखा था। ये भी आप याद रखें कि हमेशा चिकन को इसी तरह से आप पकाएं, फिर इसका फ्लेवर देखें बहुत मज़े का बनता है। 1 टेबल स्पून इसमें भर के डाल दिए जी मैंने चिली फ्लेक्स का, दड़फड़ मिर्च या दड़ा मिर्च। खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून,
और इसके साथ थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर मैं वैसे ही पसंद करती हूँ, ज़्यादातर चीज़ों में मैंने रोस्ट करके ज़ीरा रखा होता है तो मैं उसी को यूज़ कर लेती हूँ। किचन ड्रॉर से मैं निकाल रही हूँ जी इसके लिए अब सॉसेज वगैरह, तो इसमें अब मैं डालूँगी जी चिली सॉस, सोया सॉस। और चिली सॉस का तो हो रहा है आज इफ्ताह और देखें कब इसका एंड होता है, जल्दी ही हो जाएगा। बहरहाल थोड़ा थोड़ा सा इसको मैं शामिल करूँगी, तकरीबन समझ लेंगे एक टीस्पून के हिसाब से। और मैंने जज्बाती होकर जल्दी की और ढक्कन जो है उसका मैंने तोड़ लिया और इसके अंदर वो जो उन्होंने लिड लगाया होता है इसको कवर करने के लिए वो भी नहीं निकाला। और इस वक्त मुझे इस तरह से हफड़ा तफड़ी होती है काम करने से, जब मैरिनेशन या बहुत से काम और गर्मी मत वजी होती है, कुछ समझ में नहीं आ रही होती है। तो चलें जी अवॉइड करें। यहाँ पर एक टेबलस्पून के हिसाब से चिली सॉस और एक टेबलस्पून के हिसाब से सोया सॉस, चंद ड्रॉप्स मैं डालती हूँ इसमें बफेलो सॉस के। और बफेलो सॉस मैं लाजमी जो है ना मैरिनेट करते वक्त जो है ना मैं शामिल करती हूँ, इसका फ्लेवर बहुत बहुत मज़े का आता है। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ एक टेबलस्पून भर के चिली गार्लिक सॉस जो कि डिपिट किया और मैं यूज़ करती हूँ। बहरहाल चिकन में जो है ना अन्य वाई मिर्चें और स्पाइसेस वगैरह लगते हैं ताकि इसका फ्लेवर परफेक्ट आए। और एंड पे जब मुझे याद आता है वो यही इंग्रेडिएंट रह जाता है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये हर बार ही मैं भूल जाती हूँ और एंड पे ऐड करती हूँ। बहरहाल सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं और इतने मैंने कर दिया अच्छे से मिक्स। चम्मच से करें, हाथ से करें, कैसे भी करें, बस चिकन की जो कलाबाजियाँ ना वो लगवानी है और वो लग चुकी हैं। और अब चिकन जो है ना वो जंपिंग करके अब आराम से बैठ जाएगा। इसको अभी इसी कंडीशन में रख दूंगी फ्रिज में और फिर घंटे दो घंटे तक इसको जो है ना फ्राई करेंगे। चिकन को क्रिस्पी कैसे फ्राइड करना है उसकी मैं रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, वो आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। अच्छा, चांप को तकरीबन एक से डेढ़ घंटा पकाना है विदाउट वाटर, मैंने इसमें पानी नहीं शामिल किया वरना ये बिल्कुल टूट जाएगी और बिल्कुल भी अच्छे से फ्राई नहीं होगी। बस इसको इसी आंच पर पकाना है। और दूसरी साइड पर जो है ना वो दही भल्ले के लिए, पकौड़ियों के लिए सॉरी, मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं तो वो वहाँ पर जो है ना वो बॉयल हो रहे हैं। यहाँ पर जो है ना मैं इम्तियाज़ से लेकर आई हूँ खस्ता पकौड़ियों, और इसका जो है ना वो पैकेट अभी मैं इसका भी आज इफ्तिताह करने वाली हूँ। बस थोड़ी सी रिक्वायर है मुझे, बस इन्हीं को जो है ना वो मैं डिप कर दूंगी और फिर हम इन्हें दही में शामिल कर लेंगे। बल्कि मैंने ज़्यादा ही भिगोली थी, गलती हो गई मुझसे, सबा कह रही थी कि बिल्कुल थोड़ी सी ऐड किया करो, उससे बड़ी अच्छी सी जो है ना वो रनिंग रनिंग सी कंसिस्टेंसी आती है पकौड़ियों की। और आजकल जो कि बरसात के दिन हैं, हर चीज़ की जो है ना वो ख़राबी के दिन हैं, समझें कि कुछ भी आप रखें, नाश्ता हो या पकौड़ियाँ हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, इवन के नमक मसाले जो है ना वो भी आजकल ख़राब हो जाते हैं। तो स्टेपलर मैंने रखा होता है पास में तो सारे पैकेट्स इसी तरह से मैं इन्हें सील कर लेती हूँ सारे पैकेट्स को। और यहाँ पर जी हमारी पकौड़ियाँ भी डिप हो गई हैं। पकौड़ियों को अच्छे से मैंने पानी से निचोड़ लिए हैं, निचोड़ के जो है ना मैंने दही में शामिल कर दिया। और दही में मैंने पुदीना धनिया ऐड कर दिया, आलू मैंने बॉयल करके थोड़ी देर के फ्रिज में रख दिए थे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। और फिर जो है ना दही में डालें तो दही के ऊपर वो जो एक घी सा आ जाता है ना फिर वो नहीं आता अगर चीज़ें आप ठंडी करके डालें तो। यहाँ पर अभी हम कीमा जो है वो उसका मैंने पानी अच्छे से निचोड़ लिया है और इसको जो है ना वो मैं चोपर में दोबारा से मिंस करने वाली हूँ सीख कबाब बनाने के लिए। अच्छा जी, जब तक मैं कीमा मिंस कर लेती हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, ये भी बता दूँ कि इस कीमे में ऑलरेडी प्याज, अदरक और सब्ज मिर्चें शामिल हैं। हरे भरे सीख कबाब बनेंगे तो इसमें मैंने ऐड किया है जी पुदीना धनिया और इसको जो है ना मैं ग्राइंड करूँगी। इसमें मैंने लाजमी है कि मैं ऐड करती हूँ फ्राई अनियन यानी कि तला हुआ प्याज, तो ये आप आपको पता है मैं हर डिश में यूज़ करती हूँ तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बहरहाल मुझे ये बड़ा बेस्ट लगता है तो मैं इसको लाजमी ऐड करती हूँ। हाँ जी, अपनी मर्ज़ी से आप कीमे की क्वांटिटी को देखते हुए शामिल कर सकते हैं। मुझे तो पता था कीमा थोड़ा सा तकरीबन एक सवा एक किलो, तो उसके मुताबिक मैंने थोड़ी सी इसमें मिर्चें, थोड़ी सी जो है ना वो चिली फ्लेक्स और यानी सुरख पीसी हुई मिर्च और चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी जो है ना इसमें फिर मैंने सीख कबाब का पैकेट खोल के थोड़ा सा ऐड कर दिया। इसी तरह से बहरहाल घर के मसाले कम और बस सीख कबाब का पैकेट जो है ना वो नेशनल का मैं लेकर आई थी तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। एक मैं मलका कंपनी का भी लाई थी, एक मैं नेशनल कंपनी का भी लाई थी तो वो नेशनल का जो ज़्यादा बेस्ट बेस्ट है, बेस्ट एंड बेस्ट है।
आप भी देख रहे होंगे कि अचानक से मर्दाना हाथ कहाँ से आ गए, तो आपको पता है ये शेख जी हैं, वो मुझे हेल्प ज़रूर करते हैं। इनफैक्ट तब जब मुझे एक्सटेंशन वगैरह लगानी हो किचन में और चॉपर या किसी और चीज़ को एक्सटेंशन लगा के चलाना हो, तब तो यहाँ पर कीमा मैंने मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दिया है। अब हम लगाएंगे कबाब। शेख जी बैठ गए हैं जी अंगीठी में कोयले रख के, और उनको जो है ना उन्होंने आग लगा दी है थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल के, और दामिया और ईमान बहुत एक्साइटेड हैं, उन्होंने दस्तरखान भी सजा दिया है। बीवियां चाहे जितने मर्जी खाने बना लें, जो मर्जी तैयार कर लें, लेकिन जो काम हस्बैंड्स कर देते हैं ना, जो खाना वो थोड़ा बहुत हाथ ही ला देते हैं, कहते हैं ये बड़ा मज़े का बना है क्योंकि ये हमने बनाया है। लगता है कोलियां गर्मी लगन दी है जी, उन्होंने असी पंखा चल रहे हैं यहाँ पर, ये पंखी जल जल के इन्होंने ना पंखा चला चला के जो है ना वो कोयले जो सारे वो उन्हें आग लगा दी। शायद ऐसे ही होता होगा, मैंने नहीं कभी वैसे बारबेक्यू अपने हाथों से कभी नहीं किया, तो शेख जी ही करते हैं, तो वो बस मैं देख के खुश हो रही थी कि आप इसको इतना ज़्यादा हवा क्यों दे रहे हैं। यहाँ पर साथ में मैं किचन में काम कर रही हूँ, और हमारी आज की कैमरा मैन है मेरी सिस्टर सबा, और यहाँ पर ये देखेंगी चांप फ्राई हो रही हैं, एक जगह चिकन फ्राई हो रहा है, तो चांप जो हैं वो उसको मैं अंडा लगा के फ्राई कर रही हूँ। अंडे में थोड़ा सा आप नमक मिर्च ऐड कर लें, और इसमें जो है ना वो आप अंडा इसके ऊपर हर तरफ से लगा के इसको तवे के ऊपर फ्राई करें और फिर इसको खाएं, आपको ये बहुत मज़े की लगेंगी। दोनों तरफ से रोस्ट होने तक इसको पकाएं तवे के ऊपर। एक तरफ चिकन भी हमारा पक रहा है, और चिकन जो है ना वो अब तप रहा है फ्राई हो रहा है। बहुत ज़्यादा गेस्ट बुला के दावत तो मैं नहीं करती हूँ, हमेशा सबा या मैं या फिर कभी कोई और गेस्ट आ जाए तो इतने में ही मुझे लगता होता है कि पूरा किचन जो है ना वो उलट पलट गया है, और साथ साथ ढेर बर्तनों का जो वो मुझे मांजना पड़ता है। चांद भाई ने अपने हाथों के मुताबिक लंबे लंबे से 9-9 इंच के 10-10 इंच के लंबे कबाब लगा दिए, और सबा हंस रही थी कि छोटे छोटे कबाब बनाए हमने खाने हैं ये, इनको हमने सेल नहीं करना जो आप इतने इतने बड़े कबाब बना रहे हैं। बहरहाल शुक्र अल्लाह का कि वो बैठ गया कोई ना कोई काम में हाथ बटाने के लिए, अदरवाइज़ वो जो है ना कम ही किसी चीज़ में हाथ बटाता है। मेरे हस्बैंड काफ़ी इस मामले में कोऑपरेटिव है। चांद भाई के हेल्प करने पर एक लाइक तो अभी बनता है ना। सबा को मैंने बोला था कि तुम सारा अच्छे से जो है ना वो वीडियो वगैरह बना देना, तो वो बना रही है, तो साथ साथ जो है ना वो उसके शोल्डर में कुछ पेन था, तो मैंने कहा तुम आज कोई काम ना करो, सारे काम तो मैंने कर लिए हुए हैं, कि तुम दावत एंजॉय करो और मेरे लिए जो है ना वो व्लॉग रिकॉर्ड कर दो, ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ सारे मोमेंट्स जो है ना वो शेयर कर सकूँ। अच्छा जी, पहले कबाब जो हैं वो अंगीठी के ऊपर रखे जा चुके हैं, और इन्होंने थोड़ी सी जो है ना कोयले जला के दरमियान में बिल्कुल रखे थे, क्योंकि हम थोड़े से तो लोग हैं जिनकी दावत हो रही है, तो इतने कबाब ही हमें लग रहा था कि इनफ है, उसके बाद फिर और जो है ना नेक्स्ट टर्न बना लेंगे। यहाँ पर सारी दावत तैयार हो गई, और देखें चांप बहुत बहुत मज़े की बनी, सब ने तारीफ़ की, इनफैक्ट सारे खाने की सब ने तारीफ़ की, अपने मुँह मियाँ मिठू ने वाकई सब ने तारीफ़ की। बच्चों के लिए मैंने थोड़ी सी पोटैटो फ्राइज़ भी बना दी थी, ताकि दामे का मूड ना ऑफ हो, क्योंकि वो इतने सारी चीज़ें देख के अपसेट हो जाती कि मेरी मर्ज़ी की कोई चीज़ क्यों नहीं बनाई। हम सब खाना खाने बैठ गए हैं, और चांद भाई जो बैठे हैं वो कबाब और टिक्कों को जो है ना वो हवा दे रहे हैं, उनको थोड़ी सी गर्मी लग रही है, उनको थोड़ी सी पंखी जल रहे हैं। अच्छा जी, बीफ टिक्का इतना जूसी इतना मज़े का बनाया कि मैं आपसे क्या ही आप इसको अब शेयर करूं, क्या ही बताऊं, जस्ट इसकी मैरिनेशन की वीडियो मुझसे स्किप हो गई है, इंशाल्लाह जब दोबारा बनाऊंगी ज़रूर शेयर करूंगी। बच्चों का फेवरेट है जी मार्गरीटा, और साथ में फ्राइज़ तो अपने आगे ही रख के बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, और जैसे ही हम सब खाना खाने बैठे हैं जी, मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई, उन्होंने कहा कि पता नहीं यहाँ पर क्या दावा चल रही है। खाने के बाद थे बहुत सारे बर्तन धोने के लिए, इतने बर्तन के दिखा भी नहीं पाई, तो यहाँ पर अब मैं चाय बना के थक के जो है ना चाय बना के लेकर आई हूँ। चाय के साथ है थोड़ी सी नीमको, 2 तरह के बिस्किट, और साथ में केक रस। होप आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।